बीजेपी में आज बड़ी ज्वाइनिंग होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता भाजपा ज्वाइन करेंगे, शंकर पन्नू, जेपी चंदेलिया बीजेपी का दामन थामेंगे। सुबह 9 बजे बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग होगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विजय राठकर, अरुण चतुर्वेदी ज्वाइनिंग कराएंगे। सुबह 9 बजे बीजेपी कार्यालय में ये कार्यक्रम होगा। तो बीजेपी में आज बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, क्योंकि कई बड़े जो कद्दावर नेता है आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, शंकर पन्नू और जेपी चंदेलिया आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। दोनों का अपना बड़ा जनाधार रहा है। शंकर पन्नू सांसद रहे, इसके अलावा कई पदों पर काम कर चुके हैं पार्टी में, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। और इस बार वो कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे श्री गंगानगर से, लेकिन पार्टी ने वहां कुलदीप इंदौरा को टिकट दिया है, तो उससे वो नाराज होकर के और आज बरसों का जो नाता था उनका कांग्रेस पार्टी के साथ, उसको तोड़ने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद में ज्वाइनिंग होगी। जेपी चंदेलिया पिलानी से विधायक थे पिछली सरकार के वक्त 2018-23 में, उन्होंने पिलानी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनको वो तवज्जो नहीं मिल पा रही थी पार्टी में, तो उनको लगा कि अब उनका कांग्रेस में रहना ज्यादा दिन संभव नहीं है, इसलिए वो भी आज बीजेपी में आ रहे हैं। तो बीजेपी में एक के बाद एक लगातार कई बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के आ चुके हैं। और माना बताया भी जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह भी जल्द आएंगे, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जो है वो जोधपुर में कराई जाएगी, ताकि पूरे मारवाड़ क्षेत्र में उनकी ज्वाइनिंग का पार्टी को फायदा मिल सके। तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन जल्द जो है मानवेंद्र सिंह के भी बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें हैं। खबरें ये भी हैं कि प्रतिभा संधू, जो कि गंगानगर जिले के बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के और बीच में पार्टी छोड़ गए थे, चुनाव भी लड़ लिया था बीजेपी के खिलाफ, तो उनको भी पार्टी में लाए जाने की खबरें फिलहाल चल रही है। लेकिन आज जो है अरुण चतुर्वेदी और विजय राठकर अब से थोड़ी देर बाद 9 बजे बीजेपी कार्यालय में इन नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराएंगे। ठीक है बाबूलाल, आप नजर बना करके रखिए, अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।